ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। हाल ही में प्रभास स्टारर आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। आदि पुरुष में राम का किरदार प्रभास पर बखूबी शूट कर रहा है, लेकिन रावण के किरदार में सैफ के जगह अगर ये 6 एक्टर निभाते तो स्क्रीन पर धुआं धुआं हो जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं मूवी पूछ। KGF 2 का अधीरा हो या अग्निपथ का काचा चीना या फिर शमशेरा का दरोगा सूद सिंह हो, ऐसा लगता है कि संजय दत्त विलन के रोल के लिए ही बने हैं। अगर ये आदि पुरुष में रावण का रोल निभाते तो मजा ही आ जाता। राणा दगुबती फिल्म बाहुबली में बलाल देव का दमदार किरदार निभाकर फैंस के दिलों में राज कर रहे हैं। ऐसे में अगर आदि पुरुष में रावण का किरदार राणा दगुबती को मिलता तो वो बखूबी फिट बैठते। रणवीर सिंह ने पद्मावत में खिलजी के रोल से साबित कर दिया था कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो विलन का रोल बखूबी निभा सकते हैं। ऐसे में रावण के रोल में रणवीर सिंह परफेक्ट च्वाइस हो सकते थे। साउथ का सुपरस्टार विजय सेतुपति का खौफनाक विलन का रोल देखना हो तो विक्रम फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ऐसे में अगर रावण का रोल निभाना होता तो बखूबी से निभाते। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार जगपति बाबू कई फिल्मों में विलन के रोल से फैंस का दिल जीत चुके हैं। जगपति बाबू की पर्सनालिटी ऐसे है कि वो रावण के किरदार में बिल्कुल फिट बैठते। द कश्मीर फाइल्स में अपने निगेटिव किरदार से लोगों के दिलों में सिहरन पैदा करने वाले चिन्मया मंडलेकर को अगर रावण के किरदार मिलता तो वो बखूबी फिट बैठते। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन 6 एक्टरों में से किसे रावण का किरदार निभाना चाहिए था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मूवी बूज को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। तब तक मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।